गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। और मैं देवेन जी के साथ बैठा हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ फ्रॉम यूट्यूब कमेंट्स सेक्शन। प्लीज़ गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। सर एक सवाल, एक साल पहले HSG टेस्ट हुआ था, क्या दोबारा HSG करवाना पड़ेगा? प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दी HSG यदि एक बार आपने कराया है, HSG का मतलब क्या होता है? HSG का मतलब होता है कि आपकी ट्यूबल पेटेंसी है कि नहीं, वो रेडियोलॉजी वाले देखते हैं, मतलब एक्सरे निकालते हैं। और एक्सरे का प्लेट यदि HSG ठीक से हुई है तो उसको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HSG से ट्यूब की और यूट्रस की कंडीशन काफ़ी हद तक पता चल जाती है। यदि HSG में कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो उसको रिपेयर करने के लिए या तो लेप्रोस्कोपी करें या फिर IVF करें। सर मैं बिहार से हूँ, 27 साल की उम्र है, पीरियड रेगुलर है, 8 साल पहले एक बेबी सीजर से हुआ था, उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्या करें? बेटर डू एन HSG। अभी जो आपको बताया, HSG से आप एक ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कर सकते हो। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी देन करेक्ट इट और गेट एन IVF डन, यदि आपको अगला बच्चा चाहिए तो, और वो समय रहते कर लेना चाहिए। सर IVF की ज़रूरत कब और किसको पड़ती है और ये कब तक करवा सकते हैं? ये IVF की ज़रूरत कब पड़ती है और कब तक करा सकते हैं, ये एक बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज़ का पॉज किया। जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि IVF की ज़रूरत कब पड़ती है, देखिए वेरी सिंपल उसका क्वेश्चन आंसर है कि यदि यूट्रस ठीक है, ओवरीज में से एग्स बनते हैं, यदि ट्यूब ठीक है जो आपको HSG में बताया जाता है, स्पर्म काउंट यदि ठीक है, तो यहाँ से एग निकल के और स्पर्म जाके ये मिल जाना चाहिए और भ्रूण बन के वापस बैठ जाना चाहिए विद इन 1 ईयर। यदि एवरीथिंग इज ओके देन 33-34% कपल को सब हो जाना चाहिए प्रेगनेंसी। जब ये नहीं होता है या ट्यूब में ऐसी कोई खराबी दिख गई कि ये ट्यूब ठीक नहीं हो सकती है, तो IVF जल्दी करा लेना चाहिए। यदि एक तरफ की ट्यूब में कहीं पर एक्टोपिक हो गया और आप 2-3 महीने 4 महीने फिर से ट्राई कर रहे नहीं हो रहे, तो IVF करा लेना चाहिए, बहुत वेट नहीं करना चाहिए। यदि स्पर्म काउंट बहुत लो है और यदि ये करेक्ट नहीं हो रहा है तो IVF करा लेना चाहिए। यदि ओवरी में AMH की लेवल घटता जा रहा है, less than 1 हो गया नैनोग्राम, तो आपको ये IVF जल्दी करा लेना चाहिए, क्योंकि एग्स खत्म होने वाले हैं। तो जो IVF कब कराना चाहिए, ये एक रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है कि आपकी मैरिड लाइफ। कई लोग ये बोलते हैं कि अभी तो मेरी मैरिज ही हुआ, 6 महीने हुए, बट आप यदि 34 या 35 साल के मैरिड करते हैं और आपका 6 महीने में भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो आपको IVF जल्दी कराना चाहिए। कंपेयर्ड टू यदि 24 से 25 साल की महिला, बाकी सब ठीक है, शी कैन वेट फॉर 1.5 ईयर to 2 ईयर्स फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी, बिकॉज उसका AMH ठीक रहेगा। तो ये चीज़ें रिलेटिव होती हैं। मेरा कहना सिंपल है कि यदि सब कुछ ठीक रहने के बाद जो भी बोला जाता है, यदि नेचुरल प्रेगनेंसी 1-2 साल में नहीं होती है, AMH ठीक है, फाइंड आउट द रीज़न। यदि रीज़न आपको समझ में आता है कि करेक्ट हो सकता है, तो लेप्रोस्कोपी कराइए या ठीक कराइए, यदि नहीं होता है तो IVF कराइए। तो बहुत ज़्यादा वेट करना कि ये IVF तो लास्ट की बात है, अधिकतर मुझे बोलते हैं IVF तो लास्ट की बात है, पर वो लास्ट करते करते जो उम्र बढ़ती है उसमें जो AMH घट जाता है, फिर आप अपने केस को ही कठिन बना लेते हो अपने अंडे से प्रेग्नेंट होने के लिए। फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर आपको मिरेकल कर देगा, वो नहीं कर पाएगा। प्रेगनेंसी का चांस AMH अच्छा रहे तब तक बहुत अच्छा रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा वेट करके कि IVF एक अननेचुरल प्रोसीजर है, हम IVF में क्यों जाएं, हर चीज़ करके देखेंगे, ट्राई करते रहेंगे, फिर हम IVF कराएंगे। पर जब आप IVF कराने आएंगे, तब आपकी एज यदि बढ़ गई, क्योंकि वो टिक करता रहेगा, क्लिक करता रहेगा क्लॉक, AMH यदि घट जाएगा तो फिर आपका IVF करना भी मुश्किल होगा। तो IVF को लेके बहुत ज़्यादा टैबू में नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, केवल आपका फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर हो रहा है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप, मेरे व्यूअर्स बहुत हैं एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे व्यूअर्स बहुत हैं इस चैनल के,
पर मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि आप व्यूइंग के साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि उससे एक हमारा हौसला बढ़ता है, उससे हमको एक प्रेरणा मिलती है कि लोग हमको वैसे हमको बहुत चाहते हैं, बट सब्सक्रिप्शन बढ़ने से एक हमको क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और मेरा आपसे जुड़ाव भी और बढ़ता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।